وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هؤلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَقَضَيْنَا وَقَضَيْنَا في لي إليه إليه الأمر बात अन्न के दाबरा जड़ हाउलाई ये लोग माँ कटी हुई मुस्बहीन सुबह होते सूरतुलहजर आय सिक्सटी सिक्स एंड वी कन्वेट टू हिम दी डिग्री ऑफ दैट मैटर दैट दो सिनर्स वुड बी एलिमिनेटेड बाई अर्ली मॉर्निंग लू सलाम को वही के ज़रिए से इस फ़ैसले से आगाह कर दिया कि सुबह होने तक उन लोगों की जड़ें काट दी जाएँगी इस आयत में क़ाई और हमने फ़ैसला भेजा इसका तर्म वही भी किया जाता है कि हमने उसकी तरफ़ इस बात की वही की असल में क़ा फ़ैसला फरमाया इसी से काजी फैसला करने वाले को कहते हैं और ववैना को के साथ इला की वजह से कोवैना का माना हमने वही की यूं किया जाता है और दाबिरा सबसे पीछे रह जाने वाला यानी आखिरी इंसान तक सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे इनमें से कोई ज़िंदा नहीं रहेगा मस्बहीन सुबह तक काट दी जाएंगी इसी मुनासबत से लफ्ज़ दुबर आया है दरख्त को उखाड़ते वक्त आखिरी चीज़ जड़ होती है उसे भी दाबिर कहा जाता है उनकी हलाकत के बारे में बताते हुए ये फरमाया कि जिस तरह दरख्त की जड़ तक उखाड़ दी जाए इसी तरह इनमें से हर एक आखिरी इंसान तक ऐसे हलाक कर दिया जाएगा कि उसका निशान तक ख़त्म हो जाए और टाइम लिमिट सुबह का वक्त है मुसीन कोई सुबह के वक्त आए तो कहते हैं फिर सुबह कि वो सुबह के वक्त आया कोमलूत की हलाकत के लिए सुबह का वक्त मुकर किया गया था सरहूद की आयत एटी वन में भी है इन मवाद हूँ अलई सुबह करीब बेशक उनके वादे का वक्त सुबह है क्या सुबह वाकई करीब नहीं है अल्लाह ताला ने लूत सलाम को वही के ज़रिए अपने इस फ़ैसले से आगाह फरमाया कि इन लोगों में से कोई एक भी नहीं बच सकेगा सब हलाक कर दिए जाएंगे और तमाम का सफ़ाया ऐसे किया जाएगा जैसे दरख्तों की जड़ें तक उखाड़ दी जाएं।